स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर से एक नई भर्ती आ गई है, जिसमें दोस्तों टोटल आपके 85 पदों में यहाँ भर्ती किया जाना है। और दोस्तों इसमें आवेदन कैसे करना है चलिए वो हम बता देते हैं। तो दोस्तों इसमें आवेदन आपको ईमेल आईडी के माध्यम से आपको आवेदन करना है 20/5/2021 तक 5:30 5:30 तक आपको आवेदन करना है। कॉलम में दिया गया है ईमेल आईडी, उसी में आवेदन करना है। तो चलिए पूरा पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या है उसे। तो दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नर्स की भर्ती निकाली गई है, जिसमें सैलरी दोस्तों 16,500 रखी गई है। और यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया गया है ओबीसी एससी एसटी और यूआर के लिए कितना कितना पोस्ट है वो। और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग जीएनएम ये चीज़ रखा गया। और आपको दोस्तों इसमें आवेदन इस ईमेल आईडी में आवेदन भर देना है। आवेदन का प्रारूप भी हम आपको दिखा देंगे। तो इसमें इस प्रकार से आवेदन करना है ईमेल आईडी के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी भर्ती निकाली गई है, जिसमें दोस्तों 14,000 आपका सैलरी रखा गया है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 15 पोस्ट हैं, इसे भी एससी एसटी ओबीसी में डिवाइड किया गया है। और इसमें दोस्तों बीएमएलटी डीएमएलटी इसे रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। और इस ईमेल में आपको इसका आवेदन करना है। और इस पीडीएफ का लिंक भी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को लिए मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर एमपीडब्ल्यू जिसमें पुरुष की भर्ती किया जाना है, 12,000 इसमें सैलरी रखा गया है। टोटल पोस्ट इसमें 5 हैं और इसमें 12th पास इन बायोलॉजी प्लस एमपीडब्ल्यू ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए पास्ड, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये है इसका ईमेल आईडी, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एएनएम की भर्ती निकाली गई है, जिसमें टोटल दोस्तों 12,000 आपके सैलरी रखी गई। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 20 टोटल पोस्ट हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एएनएम कोर्स पास्ड दिया गया है। और इसमें दोस्तों इस ईमेल आईडी में आपको आवेदन करना है। उसके बाद दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है, इसमें भी सैलरी अच्छी खासी है, 12,000 तक इसमें सैलरी है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 10 पोस्ट है और इसमें भी ओबीसी एससी एसटी और यूआर में डिवाइड किया गया है पोस्ट को। और इसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्लस पास प्लस पीजीडीसीए डिप्लोमा 1 ईयर कोर्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये ईमेल आईडी है, इसी में आपको आवेदन करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सुरक्षाकर्मी धोबी प्लम्बर इन सब की भी भर्ती किया जाना है, जिसमें दोस्तों आपका 8,800 इसमें रखा गया आपके वेतन को। और इसमें दोस्तों पोस्ट की बात करें तो दोस्तों सुरक्षाकर्मी की 7 पोस्ट हैं, धोबी की दोस्तों 8-4 पोस्ट हैं और यहाँ पर प्लम्बर की 12 पोस्ट हैं, जिसे भी कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया गया है। इसमें दोस्तों 8वीं पास सुरक्षाकर्मी और धोबी के लिए रखा गया और 10वीं पास आपके प्लम्बर के लिए रखा गया है। इसमें भी दोस्तों इस ईमेल आईडी में आपका आवेदन करना है, देख सकते हैं ये ईमेल आईडी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाहन चालक की भी भर्ती निकाली गई है, जिसमें देख सकते हैं वाहन चालक हैं, इलेक्ट्रीशियन है, स्वीपर हैं और टेलीफोन ऑपरेटर हैं, तो इन सब की भी भर्ती निकाली गई है। इसमें भी दोस्तों सैलरी अच्छी खासी है, वाहन चालक में 12,000 तक है और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन स्वीपर और टेलीफोन ऑपरेटर में 8,800 तक सैलरी है। और इसमें भी दोस्तों आप 8वीं 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी ईमेल आईडी दिया गया है, इसी ईमेल आईडी में आपको आवेदन करना है। चलिए अब आवेदन आपको किस प्रकार से आवेदन का प्रारूप भी दिखा देते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। और इसमें दोस्तों इसमें उम्मीदवार की आयु दोस्तों 1/1/2021 की स्थिति में 18 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इससे अगर ज़्यादा है आपका 62 वर्ष से और 18 से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें दोस्तों आपका 8वीं 10वीं 12वीं ये सब स्टूडेंट भी कुछ पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं, आपने देखा ही है। चलिए दोस्तों अब आवेदन का प्रारूप भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये है आवेदन का प्रारूप, इसी आवेदन को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको उस ईमेल आईडी में सेंड कर देना है पीडीएफ के रूप में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका आवेदन करना है। तो यही जानकारी थी दोस्तों जिसे हमें आपको इस वीडियो में देना था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नए वीडियो लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।